Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, yaar, finally apni jo gaadi hai wo wapas aa gayi hai. Jo purane hamare channel ke upar hain aur jo shayad dedicatedly meri video dekhte hain, unko ye pata hoga ki ek hamari gaadi thi aapki Tata ki Tiago and uske upar puri ki puri wall gir gayi thi and kaafi zyada gaadi ke andar damage aa gaya tha. So finally aaj hum aa gaye hain wapas Tata pe. Almost 21 din ho gaye yaar gaadi diye hue aur finally hame aaj gaadi jo hai wo wapas milne wali hai. तो बाहर निकलवाते हैं गाड़ी. दिन में लेना चाहता था क्योंकि देखना चाहता था कि काम कैसा हुआ है, क्योंकि सारा पेंट जॉब हुआ है, कुछ पार्ट्स चेंज हुए हैं, छत वगैरह पूरी दब गई थी, दरवाजे दब गए थे. सो पहले आप वो वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि क्या क्या चीज़ें खराब हुई है, देन फिर आपको ओरिजिनल जो गाड़ी है वो दिखाता हूँ. तो वीडियो कैसा बना रहा है और वीडियो आपने आगे तक देखनी है. बोला था कि यार अपनी गाड़ी का हाल बहुत बुरा हुआ है. सो ये हाल हुआ है ऊपर से दीवार गिरने में. सबसे पहली बात, ये जो शीशा है पूरा आप देखोगे ये यहाँ से पूरा क्रैक हुआ है, देन यहाँ से ये नीचे वाला एरिया पूरा क्रैक हुआ है और साइड पे भी सारे स्क्रैचेस पड़ गए. ये डेंट आ गया, ये पूरा हिस्सा बाहर आ गया, ये मिरर बच गया है अभी तक, बाकी यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए, इवन यहाँ पूरे डेंट्स पड़ गए और यहाँ देखोगे तो ये गया. देन यहाँ का अगर आप हैंडल देखोगे तो भाई ये हैंडल की हालत है. सो हैंडल पूरा का पूरा बाहर आ गया. तो यार जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हो ना, प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान दो कि वो बहुत जगह सेफ़ होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए. कोई पेड़ या दीवार वगैरह के नीचे ना ही खड़ी करो जहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यार ये जाएगी. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिट्टी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अंदर घुस गई है पूरी दीवार की वजह से. छत पे भी काफ़ी ज़्यादा डेंट्स है. अगर मैं वैसे दिखाऊँ तो छत भी पूरी चार पांच जगह से, अलग अलग जगह से बेंड हो गई है. सो गाइस, गाड़ी की हालत आपने देखी थी कैसी लग रही है. सो फाइनली अपनी जो गाड़ी है वो आ गई है. एंड अगर मैं यहाँ पर वैसे बात करूँ तो यार पूरा अगर आप देखोगे तो फ्रंट का बोनट जो है वो हमारा का पूरा पेंट हुआ है. तो इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ. सो ये पूरा बोनट जो है हमारा चेंज हुआ है. ये जो फेंडर है ये भी मेरे ख्याल से चेंज हुआ है. ये वाला पेंटेड तो नहीं लग रहा मुझे. इवन हमारे जो मिरर्स थे उसके वो पूरे स्क्रैचेस थे और ये सब था. तो यहाँ पे इन्होंने स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आता है. दरवाजे जो थे वो पूरे स्क्रैच रखे थे, वो पूरे के पूरे पेंटेड हुए हैं. और जो पूरी की पूरी छत है वो आप देखोगे वो पूरी ख़राब हो चुकी थी. तो छत भी पूरी की पूरी पेंट करी हुई है. तो गाड़ी का वैसे अगर मैं बात करूं तो यार 21 दिन इन्होंने गाड़ी को करने के लिए, बट मुझे एज सच उस हिसाब से काम नहीं लग रहा. यूजुअली लोग कहते हैं कि यार भैया आपने कंपनी से अपनी इनेक्शन क्यों नहीं ठीक कराए. भाई अगर मुझे गाड़ी आज ज़रूरत है, मुझे सपोज़ आज ज़रूरत पड़ रही है उस गाड़ी की और मुझे पता है कि मेरे को डेली की ज़रूरत है ही है और मैं कंपनी दे दूँ और मेरे वही चार पाँच दिन ख़राब हों, तो यार वो चीज़ का मज़ा नहीं आता काम कराने का. तो रबिंग पॉलिशिंग की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने रबिंग पॉलिशिंग पूरी गाड़ी पे नहीं मारी, क्योंकि ये जो निशान पड़े हुए हैं ये हट सकते थे रबिंग पॉलिशिंग से, जो कि इन्होंने नहीं हटाया. सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का रबिंग पॉलिशिंग किया. सो अभी हम ये चीज़ अंदर बात करते हैं. बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यार जो बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया था, बट अब वो पूरा का पूरा ठीक हो गया. एंड यार जब भी आप गाड़ी हो ना, मेरे को उस साइड का पूरा इन्होंने क्लेम दिया बट इस साइड का नहीं दिया. मेरे को मन था कि यार मैं इसको भी लात मार के ना दबा देता कि मेरे को यहाँ पे भी क्लेम मिल जाता. मुझे था कि ये दे देंगे बट इन्होंने यहाँ वाला साइड का क्लेम नहीं दिया, क्योंकि इस पर भी अगर आप देखोगे तो ऐसे डेंट्स पड़े हुए हैं. इवन जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, बट वो चीज़ यहाँ पर रिमूव नहीं हो पाई. शायद जैसे मैंने आपको बोला, इस पर अगर हम सपोज़ रबिंग पॉलिशिंग करते तो तरीके से इसकी जो स्क्रैचेज़ वगैरह हैं वो हट सकते थे. बाकी यहाँ से भी गाड़ी जो है वो पूरी दबी हुई है और ठोक ही देनी चाहिए थी. यार आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था? मुझे मेरे हिसाब से तो ठोकना ज़्यादा बेटर रहता और ज़्यादा सही रहता. बाकी वैसे काम की बात करूँ, पेंट जॉब की बात करूँ या पेंट फिनिश की बात करूँ, तो काफ़ी हद तक 19-20 कह सकता हूँ मैं, बट काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है. और एज सच मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है, बट यार जो जो चीज़ें करी जा सकती थी मेरे को उस चीज़ के लिए काफ़ी दुख है कि वो चीज़ें नहीं हो पाई. तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के सारा इसका डिटेल लेते हैं, क्या क्या इस पर काम हुआ है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या हमें मिला. बाकी अगर मैं यहाँ पे फ्रंट के ग्लास की बात करूँ तो आपने देखा था पूरा फ्रंट का ग्लास जो है वो शैटर हो गया था, वो भी पूरा का पूरा चेंज हो गया है. और फिनिशिंग अगर हम वैसे बोलें तो फिनिशिंग भी ठीक है, जॉइंट्स वगैरह उन्होंने ठीक ही भरे हैं, तो दिस इज़ प्रिटी गुड. तो अंदर चलते हैं, खर्चा देखते हैं कि यार क्या एक्चुअल में खर्चा है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही इसी साल ही इसका जीरो डेप कराया था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बच भी गए. सो वीडियो कैसा बना रहा हूँ, वीडियो अपने आखिर तक देखनी है. सो गाइस, ऑलमोस्ट बिल बनाया 35,000 रुपीज़ का, बट यार एक जीरो डेप जो हमने कराई उसका ये बेनिफिट हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ देने हैं 1700 रुपये, जो कि हमारा पूरा खर्चा आया इस वाली गाड़ी को ठीक कराने का.
तो यार जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो तो यार एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जीरो डेप करा लो, चाहे 2-3 हज़ार रुपये फालतू लगे, आपको कुछ नहीं पता कब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। सो आज की वीडियो के नहीं, आई होप यार गेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो एंड दुनिया को खुशी देगा, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग आउटलेस, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.